नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट ऑल के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लिए कहीं बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने आज चाइना में अपने Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi TV और Redmi लैपटॉप को लॉन्च किया है। वैसे Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro कमाल के प्राइस और स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च हुआ है। Redmi Note 8 लॉन्च हुआ है Snapdragon 665 के साथ, 4000 mAh बैटरी, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 14 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप और बहुत सारे कमाल के स्पेसिफिकेशंस। और इसका प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 4GB रैम और 64GB वेरिएंट का प्राइस शुरू हो रहा है एकदम 10,000 रुपये से। अगर हम Redmi Note 8 Pro की बात करें तो उसमें Helio G90T, 4500 mAh बैटरी, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, लिक्विड कूलिंग और भी बहुत सारे फीचर्स। और इसका प्राइस अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 14,000 रुपये से शुरू हो रहा है। और Redmi ने लॉन्च किया है एक 70 इंच का 4K टीवी और इसका प्राइस शुरू हो रहा है अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 38,000 रुपीज़। तो सोच सकते हैं कि 38,000 रुपीज़ में एक 70 इंची 4K टीवी मिल रहा है। और जो Redmi लैपटॉप है वो हमें मिल रहा है 45,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़। तो अब देखते हैं कि Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro कितनी जल्दी इंडिया में लॉन्च होता है। वैसे एक न्यूज़ ऐसा आया है कि अगले 2 महीने के अंदर Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro 100% इंडिया में लॉन्च हो रहा है। जब भी Xiaomi की बात आता है उसके नेक्स्ट न्यूज़ होता है Realme की तरफ से। तो Realme की तरफ से ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि कुछ दिन बाद चाइना में Realme का एक जो नया सीरीज लॉन्च होगा, मतलब नया मोबाइल सीरीज लॉन्च होगा जिसका नाम होगा Realme Q। अब ऐसा पता चल रहा है कि उसमें होगा Snapdragon 712। वैसे इसके बारे में और कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। बस ऐसा पता चला है कि ये अगले महीने के 5 तारीख को लॉन्च होगा। तो देखते हैं कि ये वाला स्मार्टफोन आखिर किन किन स्पेसिफिकेशन के साथ किन कस्टमर्स के लिए और किस प्राइस में लॉन्च होगा। अगला न्यूज है OnePlus की तरफ से। तो OnePlus 70 Pro और 70 बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। ऐसा पता चल रहा है कि इस बार उसमें 2K सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 3800 mAh बैटरी, 6.55 इंच डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 855 प्लस होगा। वैसे ये स्मार्टफोन और जो OnePlus TV है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है अगले महीने के आखिर में। अब देखते हैं कि ये दोनों डिवाइस किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होता है। चाइना वर्सेस यूएसए जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए चाइना में जो जो यूएसए के कंपनी अपने मोबाइल डिवाइस या फिर दूसरे डिवाइस को मैन्युफैक्चर कराता था उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है। एक ऐसा न्यूज़ पता चला है कि एप्पल अपने जो भी डिवाइस चाइना में बनवाता था अब वो इंडिया में बनवाएगा। और एक और न्यूज़ ऐसा आया है एप्पल अब अपने बहुत सारे डिवाइस को ऑनलाइन ओनली सेल करेगा। तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने अपने जो ऑनलाइन पॉलिसी है उसे थोड़ा सा लूज़ किया है। इसीलिए जो भी कंपनी है उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा अगर ऑनलाइन में चीज़ें सेल करे तो। मतलब एक लाइन में कहे तो एप्पल अपने जो डिवाइसेज है वो ऑनलाइन में और भी ज़्यादा सेल करेगा, इससे जो एप्पल के डिवाइस के प्राइसेस है वो और भी ज़्यादा कम होने के चांस है। अगला न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा और इसका प्राइस है $2,000 के आसपास। $2,000 मतलब अगर 70 रुपीज़ अभी है तो 1.5 लाख के आसपास सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है। तो देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आखिर किस दिन में लॉन्च होता है, तो ये डिवाइस आखिर कौन कौन से लोग खरीदते हैं। अगला न्यूज़ है जियो की तरफ से। तो जियो गीगा फाइबर या फिर जिसका नाम है जियो फाइबर वो तो ऑफिशियली लॉन्च होगा September 5 पे। वैसे ये जो बॉक्स होगा इसमें सेट टॉप बॉक्स, इंटरनेट केबल और दूसरे सारे फीचर्स होगा। तो इसके लिए जियो एक स्पेशल हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स बना रहा है जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें HDMI पोर्ट, नॉर्मल USB केबल और दूसरे बहुत सारे पोर्ट्स इसमें है। तो देखते हैं कि जियो अपना ये जो सेट टॉप बॉक्स कितने जल्दी मार्केट में ले आता है। वैसे जब भी ले आएगा मैं कोशिश करूंगा कि अपने घर में भी ऐसा डिवाइस लगाने के लिए। तो एयरसेल जो कंपनी वो तो लगभग बंद हो चुका है। अब ऐसा पता चला है कि एयरसेल के पास जो 1200 एम्प्लॉयज थे उनमें से 1000 एम्प्लॉयज को अभी अभी निकाल दिया है। मतलब एयरसेल के पास बस अभी 200 एम्प्लॉयज है, मतलब कंपनी एकदम बैंकक्रप्ट हो चुका है। वैसे जियो और दूसरे कंपनी की वजह से हम कंज्यूमर्स को बहुत ही फायदा होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज होता है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वीवो Z1X जो कि वीवो Z1 Pro का सक्सेसर होगा ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होगा और इसका डेट है 6 सितंबर। और ऐसा पता चला है कि इसमें 6.38 इंची फुल HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 712, 32MP सेल्फी कैमरा और 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब देखते हैं कि किन किन एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ ये वीवो Z1 Pro का सक्सेसर मार्केट में लॉन्च होता है। वैसे पिछले बार वीवो के फोन में बस एक ही कमियां थी, वैसे तब पता नहीं चला था कि उसमें कमियां थी, क्योंकि अब उसके कॉम्पिटिटर जो मार्केट में 14 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप ला चुका है। तो इसीलिए अब लग रहा है कि वीवो के अगर उस फोन में
48 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा या ट्रिपल कैमरा सेटअप होता तो बहुत ही बढ़िया रहता। अगला न्यूज है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला G8 Play नाम का एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। ऐसा पता चला कि उसमें HD+ डिस्प्ले और 4000mAh बैटरी होगा और इसका प्राइस बहुत ही बजट लेवल में होगा। तो अब देखते हैं कि मोटोरोला अपने किन किन फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन 10,000 के नीचे लॉन्च होगा। तो 5G जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही जल्द ऑफिशियली पूरे दुनिया में लॉन्च हो जाएगा। तो इससे लोगों के मन में ऐसा डर है कि हो सकता है कि इससे जो रेडिएशन है उससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी एक स्टडीज से ऐसा पता चला है कि 5G रेडिएशन से कोई भी शरीर में हानिकारक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पिक्चर में देखिए, ये आखिर ये जो काला सा चीज है, ये आखिर एक रोबोटिक धागा है। तो जो लोग स्ट्रोक पेशेंट होते हैं, मतलब जिनके ब्रेन में स्ट्रोक होता है, मतलब ब्रेन में थोड़ा सा क्लॉट रहता है, तो उनके जो क्लॉट से वो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब साइंटिस्ट ने एक ऐसा छोटा सा रोबोट बनाया है जो कि इंसानी शरीर के वेन से अपने आप जाएगा, जाके वो जो ब्रेन के अंदर क्लॉट है उसे निकाल देगा। तो मुझे लग रहा है कि ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कामयाबी वाली बात है। तो आज का टेक न्यूज़ यही तक। उम्मीद है आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।